हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम दी इनअप गाइस। आज हम बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर हिस्ट्री लेसन 10 करने जा रहे हैं। इस लेसन 10 का नाम गाइस आपके सांस्कृतिक प्रगति है, सांस्कृतिक प्रगति। इस लेसन के इंपॉर्टेंस भी हैं आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, क्योंकि गाइस ये बीए थर्ड मतलब सेकंड ईयर में इसमें से कोई एक क्वेश्चन तो पुट अप होने का चांसेस होता है, क्योंकि ये लेसन छोटा सा है और बाकी जो इधर बीच के जो लेसन है ना वो उतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी एक क्वेश्चन इसके अंदर बनता है। इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ो क्या, अगर मैं नॉर्मली बताऊँ, शॉर्ट वीडियो है छोटा सा, मैं आपको बस क्वेश्चंस के हिंट बता रहा हूँ, क्वेश्चन किस तरह से लिखना है, क्या क्वेश्चंस में आने वाले हैं, बस मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, उसके हिसाब से आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप बात करते हो, इसके अंदर आप बताओगे साहित्य के बारे में कि किस तरह के साहित्य थे हमारे टाइम में, मतलब 1200 से लेकर 1526 के बीच का जो साहित्यिक पीरियड रहा, क्या क्या साहित्य देखने के लिए मिली, संगीत क्या उस समय किस तरह की मेरा सांगीतिक ज्ञान था, ठीक है, वास्तुकला, ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगे। और अलग अलग भारत के अलग अलग जगहों के ना बारे में बात करेंगे, क्षेत्रीय वास्तुकला, क्षेत्रीय राज्य वास्तुकला, कि वहाँ के क्षेत्रों के हिसाब से किस तरह की वास्तुकला में परिवर्तन दिखा और क्या परिवर्तन था, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ने के लिए मिलेगा इस चैप्टर में। बट इसके अंदर में एक क्वेश्चन पुटअप होता है जो दोस्तों वो होता है विजयनगर से रिलेटेड, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड होता है विजयनगर, विजयनगर के वास्तुकला, वास्तुकला जो होता है ना, वास्तु कला से रिलेटेड एक क्वेश्चन पुटअप होता है, एक क्वेश्चन तो बनता है भाई विजयनगर से, कि विजयनगर की वास्तुकला किस प्रकार की थी, क्या इसकी खास बात थी, इस तरह करके एक क्वेश्चन बन जाता है विजयनगर से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको अगर पढ़ रहे हो तो विजयनगर वाला जरूर पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि विजयनगर से रिलेटेड आते ही आता है क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें मतलब नॉर्मल मैं थोड़ा थोड़ा बात करूँ, जैसे कि अब क्षेत्रीय विजयनगर की मतलब नॉर्मली क्वेश्चन विजयनगर वाले बनता है विजयनगर की वास्तुकला के बारे में, तो विजयनगर में हम बात करते हैं तो हम्पी के बारे में बताएंगे, ठीक है, विजयनगर की शाही सेना और वहाँ के ना उनके किले के बारे में, विशाल किला जो था उनका, ठीक है, वो किस तरह का था, ठीक है, वो ये सब चीज़ें के बारे में बात करेंगे। और तालीकोट का जो भीषण युद्ध हुआ, तुंगभद्रा नदी के किनारे में बसा हुआ जो मतलब भव्य शहर था वो बर्बाद हो जाना, उन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। गजशाला, जैसे विजयनगर में अलग से गजशाला बनाया हुआ था, ठीक है, राजकीय भवन बनाए हुए थे, कमल महल बना हुआ था, मतलब जनाना महल, ठीक है, प्रेक्षक गृह बना हुआ था, औरतों के लिए अलग से घर, आने वाले अतिथियों के लिए अलग से गृह बने हुए थे, दर्शकों के लिए अलग से गृह बने हुए थे, सिंहासन वंच बना हुआ था, मतलब ये सब चीज़ें जो है ना विजयनगर की वास्तुकला को दर्शाती है, ठीक है, जो मैंने बताया अभी जनाना गृह, जितना भी चीज़ें बताया ना ये विजयनगर की वास्तुकला को दर्शाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है विजयनगर की खास मतलब वास्तुकला को लेते हुए, कि 12वीं क्वेश्चन ये हो जाएगा विजयनगर के 1200 लेकर 1200 के समय में मतलब वास्तुकला का वर्णन कीजिए, ठीक है, विजयनगर की वास्तुकला का वर्णन कीजिए 1200 से लेकर 1526 तक का, ठीक है, इस तरह करके बनता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अच्छा है गाइस, आप अगर पढ़ रहे हो तो जरूर इसको पढ़ें। और बीच बीच में क्षेत्रीय वास्तुकला का भी दे रखा है, जिसमें गुजरात आपका हो गया, जौनपुर हो गया, बहमनी राज्य हो गया, जो विजयनगर का पड़ोसी राज्य था, जिसके साथ विजयनगर की दुश्मनी भी रही बहमनी राज्य, उसके बारे में बात करेंगे। गुजराती जो शिल्पकला थी, जिसके अंदर में गुजरात का अहमद शाह जो शासक आया उसके द्वारा बनाया गया, अहमद शाह जो शासक आया था उसके द्वारा बनाया गया किले के बारे में, ठीक है, मसूर बेगरा, बेगरा मतलब महमूद बेगरा द्वारा बनवाए गए अलग अलग विकास कार्य, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, जमा मस्जिद के बारे में, अहमद शाह द्वारा बनाया गया जमा मस्जिद के बारे में, इन सब की चीज़ें थी गुजरात की जो वास्तुकला को दर्शाती है, बाकी क्षेत्रीय कला से अलग थी वास्तुकला जो गुजराती वास्तुकला, तो उसके बारे में भी बात करने के लिए मिलेगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो अगर मैं आपको एज अ टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो एक ही क्वेश्चन बनता है इसमें विजयनगर से रिलेटेड, जो मैंने आपको बताया भी, ठीक है, तो उसमें आप बता सकते हो विजयनगर के क्या खास बात थी, किस तरह की चीज़ें थी, ठीक है। और ये एकदम बेकार चैप्टर है वाला, उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसमें से नहीं बनता है क्वेश्चन, अभी 2-3 साल से तो बिल्कुल भी नहीं आया, पर फिर भी जो क्वेश्चन बनता है वो यही है विजयनगर वाला, ठीक है, और क्षेत्रीय वास्तुकला से बनता है। तो क्षेत्रीय वास्तुकला में आप अलग अलग जगहों के बारे में बता सकते हो, ठीक है, कि गुजरात में सीढ़ीदार हौज बनाए जाते थे, सीढ़ीदार हौज जिसके अंदर में पानी निकालने के लिए मतलब बावड़ी जैसी होती थी जो पानी का भरपाई करा करती थी, ये सब चीज़ें बता सकते हो आप उसमें, ठीक है। मालदा भाई में बता सकते हो कि मालदा भाई भूगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा था, ठीक है, और वहाँ पे सुल्तानी की रियासत के तौर पे माना जाता था, लोधी काल के समय वहाँ पे विशिष्ट वास्तुकला को देखने के लिए मिला, ठीक है, वहाँ पे स्मारक बनाए गए, ये सब चीज़ें आप बता सकते हो नॉर्मली, ठीक है। अगर मैं आपको आपकी सोल की बुक के हिसाब से बताऊँ तो ये रही आपकी सोल की बुक है, सोल की बुक के हिसाब से बताऊँ तो जो आपका मतलब विजयनगर साम्राज्य के बारे में आता है वो ये रहा, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में, कि यहाँ पे विजयनगर के बारे में, कि विजयनगर ये रहा विजयनगर के बारे में, कि किस तरह से होता हुआ करता था, ठीक है। तो 64 वर्ग मील में फैला हुआ एक नगर माना जाता था, इस तरह से जो भी मतलब ये है ना, यही इसी में से क्वेश्चन बनना है आपका नॉर्मल, यहाँ से लेकर थोड़ा सा 10 लाइन का, उसको आप अगर पढ़ लेते हो तो आपका ना मतलब
अच्छा खासा तय हो जाना है नंबर आपका, मतलब फिक्स है कि नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपने आप पढ़कर करें, वीडियो के साथ ना जाएं, ठीक है, मेरी या किसी भी वीडियो के साथ ना जाएं इस वाले चैप्टर के लिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं और ईजी है, ईजिएस्ट वन है, आप कर सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, मैंने बस ये वाली वीडियो बनाने का मोटिव क्या था कि एक क्लियर हो आपको, व्यू क्लियर हो कि इस वाले चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बट इसके बाद जो आने वाले चैप्टर्स हैं ना, इसके बाद जो आने वाला चैप्टर है, जैसे अगला चैप्टर आपका आएगा भक्ति आंदोलन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इन सबको वीडियो के बेस पर जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये समझ में नहीं आने वाला, ठीक है, उर्दू वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए इन सब चैप्टर में। तो आपके लिए सजेस्ट करूँगा कि ये सब वीडियो के बेस पर जाएँ, ठीक है। बट ये वाला चैप्टर जो था आपका विजय नगर संस्कृति वाला, इसको भूलें और ऐसे ही करने के लिए कोशिश करें, ठीक है, ये बहुत अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, प्लीज़ वहाँ पर जाएँ और मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े, दी इन अ व्हाट्सअप ग्रुप है, ठीक है। उसके अंदर फ़ायदा क्या है फ्रेंड्स आपका, कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपस में सब मिलकर सॉल्व करते हैं, तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी देन वी विल सॉल्व टुगेदर, इस तरह से फ़ायदा है आपका, ठीक है। और अगर फ्रेंड्स अभी आप तक आप नए हो मेरे यूट्यूब चैनल दी इन अप पर, तो प्लीज़ यार एक बार लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए, ठीक है। एक मतलब एक रिलेशन बॉन्डिंग क्रिएट करें जो मेरे और आपके बीच में हो, जो आने वाले टाइम तक चलता रहे, ठीक है। क्योंकि गाइस मैं आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तीनों ईयर के हिस्ट्री पॉलिटिकल करवाने वाला हूँ, बाकी सब्जेक्ट का अभी कुछ आइडिया नहीं है, बट तीनों ईयर की फर्स्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री और पॉलिटिकल हिस्ट्री करवाना है, ठीक है। तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो आप यार अपने उन फ्रेंड्स को बताएं जो रियली जिनको ज़रूरत है, जिनको रियली ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, ठीक है। और अगर कुछ और चीज़ें बात करें तो बहुत दिन से वीडियो नहीं आई थी तो सॉरी यार, उसके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था, ठीक है, मैं नहीं था यहाँ पर, बना नहीं पा रहा था। तो अब वीडियो आपकी रेगुलर आने वाली है, ट्राई करूँगा रेगुलर डालूँ। और आपके अप्रैल से पहले पहले आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी सारे जो भी सिलेबस हैं वो ख़त्म करवाने की कोशिश करूँगा, थर्ड ईयर के भी सब तीनों ईयर्स के ना सिलेबस जो भी ख़त्म करवाने की कोशिश करूँगा। और इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस की सीरीज़ लाने की कोशिश करूँगा, जो आपके इतने बड़ा चैप्टर्स 20 चैप्टर हैं तो 20 चैप्टर को ना करके सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ कर लोगे तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।